नहीं, पहली बात पंचाक्षरी मंत्र गुरु प्रदत्त होना चाहिए, दूसरी बात वो पवित्र अवस्था में ही जपा जाता है। गुरु प्रदत्त ना हो तो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, जपना नहीं चाहिए। ध्यान रखना ये वैदिक मंत्र है, गुरु प्रदत्त होने पर ही सफलता प्राप्त होती है। आजकल जो ऐसे गान करते हैं ना जोर से शब्दों के उच्चारण, बिल्कुल बात समझ लीजिए, मुख से ऐसे उच्चारण करना मंत्रों का बिल्कुल निषेध है। ये वैदिक मंत्र है, ऐसे नहीं कि आप सुन लिए जैसे गानों में फिल्मी गाने में नहीं बजते हैं और वो पूरा मंत्र उच्चारण करते हुए, ये सब नहीं, ये गलत बात है, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण, उसी को पाप कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है। मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, ये सब वैदिक मंत्र है, गुरु प्रदत्त, जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होते हैं। कान में मंत्र दिया जाता है, कोई सुने ना, और तुम ऐसे उच्चारण करोगे? अपवित्र दशा में नाम जप किया पर गुरु मंत्र नहीं, गुरु मंत्र को पवित्र दशा में, और ये गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मनमानी ऐसे नहीं जपा जाता, कुछ लोग ऐसे ही मुंह से उच्चारण करते रहते हैं तो कुछ लाभ नहीं और हानि होनी है, क्योंकि वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है ये जो वैदिक मंत्र है, इनका सिद्धांत से जप किया जाए। नाम जप कभी भी कर सकते हो, नाम कीर्तन किसी भी अवस्था में कर सकते हो, लेकिन मंत्र कीर्तन नहीं किया जाता, मंत्र उपांश या मानसिक ही जपा जाता है, वो भी गुरु प्रदत्त। ऐसे नहीं मनमानी के हमारा जो मनाया सो मंत्र जप रहे, जो मनाया सो मंत्र उच्चारण कर रहे, उसका फल नहीं मिलता क्या महाराज? उसका क्या फल? विरुद्ध होता है, विरुद्ध होता है। अरे एक जरा सी त्रुटि हो गई तो वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया, और यज्ञ कर रहे थे, वृत्तासुर को प्रकट कर रहे थे इंद्र को मारने के लिए, और त्रुटि हो गई तो उसका अर्थ बन गया कि इंद्र जिसको मारे, ऐसा जरा सी त्रुटि हो जाने पर तो अर्थ। तो ऐसे वैदिक मंत्रों का ऐसे नहीं, हमको चित्रकूट में एक संत भगवान ने बताया था, जो वैदिक मंत्रों को बिना गुरु के और अपवित्र दशा में उच्चारण करता है वो कामी क्रोधी लोभी हो जाएगा, उसके अंदर विकारों की वृद्धि हो जाएगी, जहां निर्विकारता आनी चाहिए वहां विकारता आ जाएगी। इसलिए वैदिक मंत्र गुरुजनों से ही लेना चाहिए, और उनका उच्चारण उपांश या मानसिक वाचिक नहीं उच्चारण करना चाहिए, ये शास्त्रीय सिद्धांत ने, ये इससे आध्यात्मिक लाभ भी नहीं मिलेगा और त्रुटि भी हो जाएगी, आहित भी हो जाएगा, अमंगल भी हो जाएगा, शास्त्री विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। आजकल क्या महाराज जी, कुछ लोग किताबों या वाणियां आदि से पढ़ के, क्योंकि बहुतों ने जैसे अज्ञानतावश मंत्रों की बुक्स महाराज जी निकल चुकी हैं, उससे लेके खुद तो उससे क्या लाभ मिलता है? कौन सिद्ध हो गया है? कौन कौन शांति को प्राप्त हो रहा, किसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा, कौन भक्ति में है? जो शास्त्री गुरु मर्यादा से चल रहे वही, नहीं तो पाखंड नाटक नौटंकी, एक लोटा जल चढ़ा दिया उससे तुम्हारी भक्ति हो जाएगी? मनमानी वैदिक मंत्रों का गान कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, उसे कोई लाभ मिल जाए? क्यों, कौन सा लाभ मिला है? कौन सी स्थिति जागृत हो गई अध्यात्म की? सिद्धांत से चलोगे तो वैदिक सिद्धांत से उसकी उन्नति होगी, ऐसे नहीं होती कि आप पंचाक्षरी मंत्र गान कर रहे हो बिना अधिकार के। और अधिकार भी होता है तो उपांश और मानसिक का होता है, पंचाक्षरी मंत्र का कभी कीर्तन नहीं होता, कभी कीर्तन नहीं होता पंचाक्षरी मंत्र का, और द्वादशाक्षर मंत्र का कीर्तन नहीं होता, ये वैदिक मंत्र है। अब अज्ञानी है, कुछ पता नहीं, कुछ अनुभव नहीं, जो मनाया सो कर रहे। आजकल जिसका मनावे, अंधे का लाठी पकड़ के अंधा चले तो कहां जाएगा, गिरेगा ही। तो बस यही है, अंधे के पीछे अंधे चलने वाले लाखों हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, परमार्थ का वैदिक सिद्धांत का ज्ञान नहीं, ब्रह्म बोध नहीं। उपदेश उसी का सार्थक होता है जो भगवत बोध और शब्द ब्रह्म का ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञानी और स्वरूप का ज्ञानी, दोनों का हो। अब उनको सिद्धांत पता नहीं, वो जो बोले सो वैदिक सिद्धांत का खंडन और मनमान समाज में उसका। अब गायत्री जी का कीर्तन हो रहा है, कोई भी पढ़ सकता है, मतलब गजब की बात है, गजब की बात है। मर जी, दरअसल क्या कोई रोक लगाने वाला नहीं है ना पर... अब क्या आपने यहाँ ऐसा है ना कि जो मन में आवे सो कर लो, जो मन में आवे सो बोल लो, एक अलग पगडंडी बन जाएगी। हाँ वही, मतलब कौन निषेध करे, अब हो रहा है, बस अब हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे, आप ऐसे नहीं बोल सकते, सबको डर था कि गुरुजन है। अब जैसे हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी के चार मठ हैं, चार मठों में बड़े बड़े महा, कौन मानता है? नहीं तो हमारे राजा हैं वो धर्म के, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में इसीलिए मठ स्थापित किए, धर्म स्थापन के लिए विरोध कर सकते, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है वो बोल देंगे, पर उनकी मान कौन रहा है, कौन मान रहा है? गुरुजनों की कौन मान रहा है?
आचार्यों की कौन मान रहा, सब मनमानी आचरण। ऐसे तुम्हारे की आगे चल के बहुत ऐसा, तो इसीलिए तो लिखा है कलिकाल में आगे चलकर भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजातन, सब भ्रष्टता बढ़ती चली जाएगी। ये आज रुचि, संसार की रुचि, अगर बहुत बड़े महात्मा आ जाए यहाँ और एक तरफ यहाँ कोई अभिनय करने वाला नेत्री या अभिनेता बैठा हो, फिर आप देख लीजिए कि अगर उसकी तरफ कौन देखता है, इसकी तरफ कौन देखता है। संसार का क्षेत्र ये है, धर्म की बात कौन सुनना चाहता है। अभी कहो तो चढ़ बैठेंगे संसार के लोग। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यो, कौन शासन करे, कौन उन पे बोले। ये धर्म का विषय जानना बहुत कठिन है। कोई महात्मा है, हम कह तो रहे चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको, हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले। सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा, शास्त्र के विपरीत शब्द नहीं मिलेगा अभी तक जो हमने देखा है। अब आगे भगवान जाने, अभी तक जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के पद में चार मठों में बैठे हुए, ऐसा धर्म विरुद्ध नहीं होगा। शास्त्र के सम्मानित तस्मात् शास्त्रम, अब मानो या ना मानो गुरुजनों की बातें हैं, वो तो बोले नहीं, स्थापित ही इसीलिए किए गए थे पूरे भारत को धर्म के अंतर्गत बांध के रखना। विश्व विजयी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, कोई बोलने वाला नहीं, सबको परास्त करके अपने सनातन धर्म के नीचे रखा, सब चार मठ स्थापित चारों कोनों में किए, वो आज कौन मान रहा है। आचार्य परंपरा को, आचार्यों के आदेशों को कोई भाग्यशाली उपासक मानता है, नहीं आचार्य परंपरा से कौन चल रहा है। मन मानी आचरण, जो मनावे सो बोलो, जो मनावे सो करो, रुपया हो गया जो मनावे सो करो, आप भगवान हो, आपके सामने कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, जैसा मनावे अर्थ पढ़ दो, जैसा मनावे बात बना दो, सामने वाले बैठे उनको तो ज्ञान है नहीं, वो भोली श्रद्धा अंधी श्रद्धा बस झुके चले जा रहे हैं। शास्त्र का क्या आदेश है, शास्त्र का क्या उपदेश है। इसलिए हमें लगता है वैदिक मंत्रों को गुरुजनों से लेकर मानसिक जप पवित्र अवस्था में, उपांशु जप पवित्र अवस्था में, नाम जप कभी भी कहीं भी कैसे भी कीर्तन कर सकते हैं।